office quarantine और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है. Looks like it's going to rain. अभी तक हुई नहीं है लेकिन. यार बारिश के लिए नीचे क्यों देख रही थी? क्योंकि मुझे लगा शायद नीचे ड्रॉपलेट्स ना गिरे हुए हों. भाई यार मुझे लग रहा है डे थ्री जो है ना थोड़ा अमतन को लंबा पड़ रहा है. But welcome to day three. We're in the office and we've just finished off our edit and now we're going to tell you guys something that you've all been asking us. कि भाई खाने का क्या सीन है? आई हम आपको दिखाएं. Basically हमारे पास फ्रिज है. अच्छा क्या है फ्रिज है? और उसमें हमने काफ़ी घर का खाना हमने ऑलरेडी हम लेके आए थे अपने साथ और हमने इसको स्टोर कर लिया है. और उसके अलावा घर से खाना हमारे पास आ भी जाता है कभी कभी. एज यू कैन सी ये रोल नहीं है, ये चपाती है एंड दिस इज दाल एंड दिस इज घर का सालन. तो इस तरह हम अपना खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं. यस आई थिंक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वी डोंट हैव अ स्टोव इन द ऑफिस. We didn't want to have a stove in the office, but लगता है कि शायद हमें लाना पड़े एक दिन. शायद लाना पड़े. But as of now, we're surviving off food that we brought from home, and then worst case scenario, हम कहते हैं कि घर से खाना आ जाए. तो बस बहुत भूख लग रही है भाई. मैं तो खा रहा हूँ. हम जा रहे हैं अपनी दाल और चिकन सालन. इसके बीरोल बनाने हैं. चले आए. Chicken boti with leg piece, leg. And. Ooh, slow B roll. Oh. And. Okay, we're done. देखिए अब सच तो बोलना जरूरी है. हमने आपको दाल तो दिखा दी लेकिन समझ नहीं आई दाल हमें. So. अब हम खाएंगे. स्पॉन्सर नहीं दिखाओ. छुपा दो. भाई लगता है अभी हमने आपको दिखाई थी दाल और अभी नजर लग गई है. बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई दाल. तो झूठ नहीं बोलेंगे आपसे हम कप नूडल शायद आज बैकअप में. हाँ बैकअप में हमने कप नूडल्स भी रखे हुए. आज लगता है इससे ही गुजारा होगा. चलो सच तो बता दिया. डे थ्री है हमारे क्वारंटीन में और पहली बार मैं ऑफिस छोड़ के जाऊंगा. सो आई हैव टू गो टू द एटीएम टू टेक आउट कैश. सो आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग दीस ग्लव्स बिकॉज एटीएम सबसे गंदी जगह वैसे भी होती है. तो आप जब भी बाहर जाएं मेक श्योर यू डू टेक प्रिकॉशंस. आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड टू गो आउटसाइड राइट नाउ. आई एम नॉट गोइंग टू लाई. बाहर की हवा खाएंगे हम. अम्तुल भाई मौसम जो है ना ऐसा हो रहा है कि हमारा दिल चाह रहा है कि बस एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाए और चिल म्यूज़िक सुने. चिल म्यूज़िक कभी सूदिंग कंटेंट की ज़रूरत है अभी. आई थिंक एंड दैट्स व्हाट यू गोना गेट राइट. सो आई थिंक टुडेज़ यू नो चैलेंज फॉर अस विल बी मेकिंग गुड सूदिंग कंटेंट फॉर यू गाइस. आज हम बात करने वाले हैं थ्री स्टेप्स यू कैन टेक टू बिकम अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर. और एंड में हम आपको बताएंगे सबसे हमारे चैलेंजिंग जो हमने सिचुएशंस फेस की हैं एज ट्रैवल कंटेंट टीवी प्रेजेंटर होगी. अभी आप मुझे बताएं कि हाउ डू यू बिकम अ ट्रैवल व्लॉगर. ये बड़ा कूल है.
आइसक्रीम लग रही है मुझे तो. You know, tell you the realities of it, and I'm sure you guys see a lot of fun content coming out from our end. But so number one, it's very important to decide what kind of a traveler you're going to be. मतलब आपको अपनी brand identity बनानी होगी, you know, कि are you promoting luxury and fancy travel or experience or something? महंगे महंगे hotels और वो सब कुछ, या budget traveling दिखा रहे हैं, you know, hostels में रह रहे हैं, backpacking कर रहे हैं, पैसे बचा बचा के travel कर रहे हैं, या आप international travel को promote कर रहे हैं, या आप local travel को promote कर रहे हैं, या आप information ज़्यादा दे रहे हैं, या आप experience ज़्यादा दे रहे हैं, you know? तो ये आपको decide करना बहुत जरूरी है. जैसे हम पतंगीर की एग्जांपल देते हैं, हमने जब पतंगीर स्टार्ट किया था, हमारी ब्रांड आइडेंटिटी ये थी कि वी आर प्रमोटिंग पाकिस्तान, एंड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वी रिप्रेजेंट देम एज एंबेसडर्स ऑफ पाकिस्तान. हां, तो जब हमने शुरू किया तो वी फोकस्ड ऑन लोकल कंटेंट, लोकल ट्रैवल्स, एंड देन इवेंचुअली वी स्टार्टेड पुटिंग इन इंटरनेशनल कंटेंट. लेकिन जब हम इंटरनेशनल कंटेंट भी बनाते थे, उसमें वी वुड ऑलवेज टेक पाकिस्तान फ्लैग विद अस, एंड वी वुड टॉक अबाउट पाकिस्तान. सो वी ब्रॉट द पाकिस्तानी आइडेंटिटी इन इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली. So once you've decided what kind of content you're making, you also need to know where you're gonna put that content. Yeah. Are you relying mostly on pictures? Are you gonna write blogs about it and have a website? And even if you're making video content, will it go on Instagram or YouTube? Because for Instagram, you need to have shorter videos, shoot vertically, and for YouTube, you need to have longer videos and shoot horizontally. So dono cheeze saath saath karna tough hota hai, so you need to focus on one platform. Yeah, I think that's definitely something we learned together, is that concentrate on one platform. It's easier to grow that one platform. You don't have to be spread across. Yeah. Now the second step of how to become a travel blogger is obviously the travel aspect. So we would recommend that start small, you know, go to places like in Karachi. It could be as small as going to Sea View and then starting to, you know, see how can you tell a story through your camera. What type of story do you want to tell through your travel content? Again, as Abdul said, it can be, you know, informative. You could make a video on it, and then you have to come back and you have to edit it. So, you know, and if you want to take a small domestic trip, you want to learn how to travel and shoot, because it's not easy to do it, you know. You don't realize it, but you know, when you want to tell a story, you have to wake up early, you have to catch sunrise, you have to catch sunset. So you have to make sure that you're very organized, and it takes a bit of time. And you will mess up, and you will not have the situation in control ever. So get used to that. It is part of just traveling, you know. That will be your content, so don't hide that. Exactly, because that makes your story unique, you know. That's what makes your narrative yours. A third point is, of course, जो सबको चाहिए यार, paid trips कैसे मिलेंगी, मुफ्त की trips कैसे मिलेंगी, sponsored trips कैसे मिलेंगी. और सबसे पहले तो नहीं मिलते हम तो छूट. अच्छा, सबसे अरे सबसे पहले तो ये misconception हमें remove करना चाहिए कि you are not becoming a travel vlogger to have free trips. Yes. That should not be your aim. Your aim should be making money from your content. Wow. जो आप बनाएंगे from traveling, you know, it's a difference. मैं आपसे ये बोले कि अच्छा अच्छा आप मुझे बस जो है ना थाईलैंड भेज दें मुफ्त में, मैं कॉन्टेंट बना के ले आऊंगा, आप कंपनी को बोले, that's it. They will happily agree, okay? Trust me, because आपकी content की worth है, वो आपको भेज तो देंगे, तो जो आपका content है उसकी worth क्या है? Zero, अंडा, no. So don't run after free trips. Run after कि भाई मुझे ये content बनाना है, who's gonna pay for this content? Yeah, and you need to show the brand what value they're going to get out of that content for them, and don't overcommit. Tell them this is the exact amount of content that they will get. It will save you and them. Try eliminating as much guessing as you can, and always let the brand know that you're working with, that certain situations will be out of your control. Hmm. So just don't overcommit. You know, that's a thing that we always make sure. Exactly, because once you come back, there is no way of going back to that place and traveling and shooting it again. Yeah. So I think those are the three steps you guys can take from tomorrow. आप घर पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, and you want to do this, here's the information. Start small, know what type of content you want to make and how you want to make it with these steps. Assalamualaikum. आप मुझे please बता सकती हैं कि as a travel blogger आपको experiences कैसे लगते हैं, और सबसे आपका बुरा experience as a travel blogger क्या है?
मैंने माइक आपसे छीन लिया और मैं इमरान खान की तरह क्यों साउंड कर रहा हूँ, घबराना नहीं है. Totally detracting. What's your worst experience? I think you should be scared. Why are you scared? Best or worst travel experience? Yeah, mic. Big deal. अच्छा तो for me the worst तो नहीं था. End में fun भी हो गया था. बट भाई बहुत scary था क्योंकि हम लोग अमेरिका में हम लोग अपनी cross country trip कर रहे थे. एंड हम लोग थे डेनवर में इन कोलोराडो जो बहुत ही ठंडा उनका स्टेट है तो वहाँ पे बहुत स्नो हो रही थी उस वक्त. इवन समर्स में भी स्नो हो रही थी और एकदम से हेल स्टॉर्म आ गया बहुत बुरा. और हम बहुत ही बेचारी पुरानी सी गाड़ी में थे एंड हेल स्टॉर्म आया, हमारी पीछे की एक लाइट टूट गई और इट वॉज रियली स्केरी. मतलब इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे, टक टक हमारी पूरी गाड़ी डेंट हो गई. एंड ये that's not the worst part. उसके बाद हमारी गाड़ी डेड खत्म, बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई. हमने हर चीज़ ट्राई कर ली, हमने आई थिंक नया रेडिएटर भी खरीद लिया. पूरे $200 खर्च हुए थे उसमें, $200 $25,000 दिल पे पत्थर रख के तब भी गाड़ी ठीक नहीं हुई. उसके बाद देन व्हाट वी हैड टू डू, अब कहीं जाने की भी जगह थी क्योंकि हम लोग बिल्कुल पहाड़ों के बीच में थे और जो सबसे करीब शहर था वो 1 घंटे दूर था और कोई कैब नहीं चल रही थी क्योंकि हिल स्टॉप में तो सब बंद हो गया था, सब घर में चले गए थे, कोई गाड़ियाँ नहीं थी. फिर हम रेंटर कार के पास गए, रेंटर कार भी नहीं थी क्योंकि सबने गाड़ियाँ ऑलरेडी बुक कर ली थी. तो इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन. और फिर हमें रात को एक गैस स्टेशन पे सोना पड़ा. लंबे लंबे बाल, खतरनाक बंदा था वो. वैसे मैंने पूछा कि डू यू माइंड अगर हम गाड़ी में सो जाए प्लीज. तो डर लग रहा था बड़ी, बोला या मैं और फिर हमने स्केरी मूवी गाड़ी में. हाँ फिर गाड़ी में हम सोए, अपनी गाड़ी हमने पार्क की गैस स्टेशन में, उसमें हम सर्दी में सोए और हमने इतने वैसे ही डरे हुए थे और अपने आप को और डराने के लिए हमने स्केरी मूवी देखी और इतनी हमें इतना डर लगा. फिर हम गाड़ी में सोए और फिर सुबह उठ के फिर हमने लेकिन बट इसकी वजह से हमारे 2 पूरे दिन जो है वेस्ट हो गए थे. तो पॉइंट ये है कि यू नो लाइक बीइंग अ ट्रैवल ब्लॉगर ये बहुत होता है, यू नीड टू बी रेडी फॉर डिफरेंट सिचुएशन क्योंकि आपका टाइम इतना ज़रूरी होता है कि ये टाइम निकल गया तो शूट नहीं होगा. जिस दिन किसी दिन बारिश हो गई तो आप कैसे शूट करेंगे, किसी दिन धूप नहीं निकली, किसी दिन कुछ ज़्यादा धूप निकल गई. तो ये बहुत सारे ऐसी वेरिएबल्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं बट यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. समटाइम्स थिंग्स आर इन योर कंट्रोल. आई विल टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस. लेकिन आप पे अटेंशन पे नहीं करते. जैसे कि अभी हम पिछले साल गए थे नेपाल. ओके सो वी वर इन दुबई में नंबर फॉर वर्क. वी बोथ हैड सेपरेट वर्क इन दुबई. हमने कहा यार फ्री ट्रिप दुबई में मिल रहा है, यहाँ से निकल जाओ. तो हमने नेपाल की टिकट ली और वीज़ा अराइवल था. वी गॉट टू नेपाल. नेपाल वॉज अमेजिंग. वी हैड अ ग्रेट टाइम. एंड देन जैसे हम वापस आए एयरपोर्ट पहुँचे, अब माई कज़न हैड गिफ्टेड अस टिकट्स टू रेड हॉट चिली पेपर्स in Dubai, Abu Dhabi mein concert tha unka. And I mean I've grown up loving Red Hot Chili Peppers and I was like bhai, I was so excited. We get to the airport, पहुंचे और जैसे हमने अपना टिकट दी, हमने कहा कि आपका तो वीजा सिंगल एंट्री है. The real madness began when we reached Kathmandu. We realized that we had a single entry visa to Dubai and Nepal Airlines would not let us board the flight. They also did not understand the concept of a transit visa and told us that once we enter UAE, we had to exit within 24 hours. Because of this, we ended up missing our flight. We had to book another flight to UAE and we had to book a second flight out of UAE within 24 hours. Whatever happened, we said that we Red Hot Chili Peppers concert pe jayenge and we end mein kar hi liya. कितनी इतने टिकट्स हमें आगे पीछे करने पड़े, फ्लाइट चेंज करनी पड़ी, इतनी आगे पीछे करनी पड़ी, लेकिन हो गया. So if you guys are wondering about that experience, we actually made a blog on it. So just go in our YouTube channel and go watch that. The worst 24 hours of our life. That's what it's called. Yeah, it was crazy. So that brings us to the end for night talk. Or she just hijacked my character, bro. अच्छा तो घबराना नहीं है, देखे घबराना नहीं है. Oh what? आप अपना कुछ evil जो भी आपका है ये character आप लोग. अब तो मैं कर ही नहीं रहा, आप लोग बताएं. अच्छा ठीक है, घबराना नहीं है. और आप जो comment में ना हमें बताएं आपके गंदे experience. और subscribe का भी पूछ ही लो सिस्टर. और घबराना नहीं है, subscribe करना है. So please subscribe. We are now gonna end our office quarantine episode.